दोस्तों, कोरियर ओपन के सेकंड राउंड में भारत के वर्ल्ड नंबर 11 लक्ष्य सेन को इंडोनेशिया के वर्ल्ड नंबर 24 सेसर हिरन से शिकस्त मिली है। पहला सेट को उन्होंने 22-20 से हारा, जबकि दूसरे सेट में उनको 21-9 से बुरी तरह शिकस्त मिली। लक्ष्य सेन ने पिछले दो टूर्नामेंट्स में फाइनल तक का सफर किया था, लेकिन इस बार सेकंड राउंड के आगे नहीं जा पाए। वुमेन सिंगल में भारत के वर्ल्ड नंबर 7 पीवी सिंधु ने जापान के वर्ल्ड नंबर 26 आया ओहोरी को हराया। इस मैच को उन्होंने 2-0 से जीता। पहले सेट को उन्होंने 21-15 से जीता, जबकि दूसरे सेट को 21-10 से। क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला थाईलैंड के वर्ल्ड नंबर 11 बुसनेन ओंगबांग रुंगफान से होगा। पिछले दो मुकाबले में पीवी सिंधु ने इनको बहुत ही बुरी तरह से हराया है, उम्मीद है इस बार भी बुरी तरह से हराएंगे। मेन सिंगल में किदम्बी श्रीकांत ने इजरायली खिलाड़ी मिशा जिल्बरमैन को 2-0 से हराया। पहले सेट को उन्होंने 21-18 से जीता और दूसरे सेट को 21-6 से जीता। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला साउथ कोरिया के वर्ल्ड नंबर 78 सोन वनहो से होगा। मुझे लगता है किदम्बी श्रीकांत को यह मुकाबला आराम से जीतना चाहिए। मैच डबल में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियन टीम को 21-15 और 21-19 से हराया। क्वार्टर फाइनल में इनका मुकाबला साउथ कोरियन टीम से होगा और बाकी के मैचों में इंडियन खिलाड़ियों को शिकस्त मिली। कल अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी साउथ कोरियन टीम के साथ मुकाबला करेगी। आप इन मुकाबलों को हिस्ट्री टीवी पर लाइव देख पाएंगे या फिर BWF TV नाम के यूट्यूब चैनल और वोट सिलेक्ट एप्लीकेशन पर लाइव देख पाएंगे। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।